बेटा जी, ओ बेटा जी, अरे ओ बाबू जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम, ओ बेटा जी। आजकल मूवीज गेम पे बन रही है, और आप बताइए बचपन में आपने बहुत सारी गेम्स खेली होगी, और उसमें से एक पसंदीदार और फेवरेट, मेरी भी पर्सनल फेवरेट गेम है लूडो। नहीं तो इसी गेम के नाम पे एक मूवी आ गई है जो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है इस टाइम, और उसका नाम है लूडो। कि तुम इसके लिए हमारे दरवाजे पे चले आए। तो आज हम इस गेम, मतलब मेरा मतलब है इस मूवी का रिव्यू करेंगे, और हमारे साथ है फेमस बॉलीवुड एक्टर संजू बाबा, जो इस मूवी का रिव्यू भी देंगे और इस मूवी के रेटिंग्स भी देंगे लास्ट में, और बताएंगे कि ये मूवी कैसी थी, उनको कैसी लगी। और के फेवरेट चैनल में वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बाबा की पेशकश भी है इसमें। इसलिए शुरू करते हैं हमारे रिव्यू से। तो ये मूवी की बात की जाए तो ये मूवी में थोड़ी गर्म थोड़ी नरम, नहीं समझे तो चलिए समझाता हूँ। अरे ओ बापू जी, सुनाइए ना। तुझे अक्कल है? तू क्या बोल रही है? चुप! आप सोच रहे होंगे ये मैं क्या बोल रहा। बोलिए संजू बाबा, क्या आपको क्या लगता है इस मूवी का सबसे फेमस डायलॉग? अरे मैं तो इस मूवी मतलब सबसे फेमस डायलॉग बोल रहा हूँ जो के, अरे ओ बाबू जी। आर यू कॉमेडी मी? बाबू जी जरा धीरे चलो, बाकी हार्ट फेल हो जाएगा। समझ गया मैं संजू बाबा, क्योंकि आजकल जैसी मूवीज आ रही है OTT प्लेटफॉर्म पे, सच में हार्ट फेल हो जाएगा किसी का भी। अब इस फिल्म की बात की जाए तो इसमें ड्रामा है, कॉमेडी है, और इमोशन है, और ना जाने क्या क्या है, सब कुछ भर के रखा है इस मूवी में, और सबका तड़का इस मूवी में बराबर का आपको मिलेगा। और क्या बोलना चाहते हैं संजू बाबा इस मूवी के बारे में? OTT प्लेटफॉर्म्स पे मूवीज एक कहानी को अच्छे से नहीं दिखा पाते, और इस मूवी में चार चार कहानियों को डाल दिया है, घुसेड़ दिया है, और इस मूवी के चारों कहानियों को आपस में जोड़ दिया गया है। और इसीलिए आपको ध्यान से देखना होगा, सही बोल रहा हूँ कि नहीं? क्योंकि चारों कहानियों को देखने में अपना दिमाग का दही हो जाता है। हाँ हाँ, समझ गए संजू बाबा। बाकी नजर हटी दुर्घटना घटी। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। मूवी आप एक जगह से छूट गए तो पूरी मूवी मतलब मजाक खिड़खिड़ा कर देगी, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि राम कौन है सीता कौन है, और मूवी खत्म हो जाएगी। मैं नहीं मानता। मन लगा के पढ़ो या ना पढ़ो, पर मन लगा कि ये मूवी जरूर देख लेना। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं, तुम्हारी गांड में चनूने काट रहे हैं। बाकी तो मूवी में क्रिएटिविटी है, कुछ नया दिखाने को मिलेगा, मजा आएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ 100%। और स्टार्स पे एकदम जबरदस्त है, तो मजा तो आने ही वाला है। स्टार कास्ट ही बहुत ही असेंबल है, बहुत ही सारा टैलेंट भरा हुआ है स्टार कास्ट में, और इस मूवी में नाम भी एकदम आपके पेट नेम जैसे है, आपको एकदम अपनापन सा लगेगा। हाँ तो कौन से पेट नेम है बताइएगा जरा। में बिट्टू है, सत्तू है, आलू है, राहुल है, पिंकी है, आकाश है, और श्रुति है, और पता नहीं क्या क्या है, बट जो भी है अपनापन है। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा।
और एक बार फिर से बता दूं, नाम पे बिल्कुल भी मत जाइएगा। नाम जितने सीधे हैं, स्टोरी उतनी ही पेचीदा और पूरी मतलब रिवॉल्व करके बनाई गई है लूडो मूवी में। सो ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हुए या लैपटॉप में पबजी खेलते हुए इस मूवी को मत देखिएगा, नहीं तो वही होगा, ना पता कौन राम कौन सीता, ख़त्म हो जानी है पूरी गीता। और सॉरी मैं तो भूल ही गया, पबजी तो बैन हो गई है। दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते होंगे। मैंने और आपको और हमको क्या चाहिए, मजा चाहिए। सो ध्यान से देखना, ये जो बिरयानी बन रही है ना, ध्यान से देखकर बिरयानी ही रहने देना, बाकी ये बिरयानी कब खिचड़ी बन जाएगी पता भी नहीं चलेगा आपको। मूवी में नेगेटिव पॉइंट ये है कि मूवी से किरदार बीच बीच में बहुत देर तक चले जाते हैं, फिर आप भूल जाते हैं कि वो इस मूवी में थे कि नहीं। अभी अभिषेक बच्चन बीच में आए थे फिर चले गए, पता ही नहीं चला फिर उसके बाद कि मूवी में है कि नहीं। पर स्क्रीन प्ले पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, इसलिए ये मूवी का ये प्लस पॉइंट है। और सिनेमेटोग्राफी किसने की है बाबा? अनुराग बासु खुद ने। बिट्टू जिसको अपनी बेटी चाहिए, आलू जिसको अपना पिछड़ा हुआ प्यार पिंकी चाहिए। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। पिंकी जिनको अपने पति से लॉयलिटी चाहिए, और दूसरा कौन है? सत्तू जिनको बिट्टू चाहिए, राहुल जिसको पैसा चाहिए, समझे कि नहीं? फिर और क्या बोलूं मैं बाबा, आप इस मूवी को मतलब क्या आपको पसंद है? मुझे इस मूवी का जो क्रिएटिविटी है, जो नया पन डाला गया है, चार चार स्टोरियों को एक साथ जोड़ना गेम की तरह, वो मेरे को अच्छा लगा। और दूसरा क्या अच्छा लगा? सब ठीक ठाक है, मूवी अच्छे से चलती है, बाकी ओवरऑल मूवी एकदम मेरे को कड़क लगी। पर एक बार भी आप मूवी से हट गए तो फिर पटरी से ट्रेन आपकी हट जाएगी और कुछ भी पता नहीं चलेगा। थैंक यू बाबा आपका रिव्यू देने के लिए इस मूवी के बारे में। जैसे कि मैंने कह रहा हूँ यही है, ये मेरे को आप बोल रहे थे बाबा, मुझे मूवी लगी कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम गरम, ओ बेटा जी अरे ओ बापू जी। हाँ समझ गया बाबा। और इस मूवी को आप कितने रेटिंग्स दोगे आप? मैं भी इस मूवी को दूंगा 5 में से 4.5 स्टार्स। मैं इस मूवी को दूंगा 5 में से 5 स्टार। क्यों? क्योंकि सड़क टू फ्लॉप हुई, इसलिए अपना जो एबी है इसमें बहुत अच्छा काम किया है, इसको सपोर्ट करता है मैं। हाँ हाँ समझ सकता आपकी फीलिंग। और आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ये रिव्यू कैसा लगा वो भी बताइएगा, और बाबा दूसरे रिव्यू में आना चाहते हैं कि नहीं वो भी मुझे बताइएगा। तो फिर मिलेंगे अगले रिव्यू में, और तब तक इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। ऐसे ही मज़ेदार और रोचक रिव्यूज के लिए मेरे चैनल को बहुत ही जोर से सब्सक्राइब मारेगा। टिल देन बाय बाय, जय हिंद और वंदे मातरम। If you have to choose any one actor from Bollywood to go on date with, whom you will go on dates? I have 3-4 people. Well, Babita ji, for the very first time on Bollywood now, will reveal her Valentine's desire. I am shameless. Okay, I have 3-4 people. Yeah, yeah, please go ahead. Naam lete rahe unhe kuch bhi. Okay, Siddharth Malhotra is available. And see, I'm also single till the time you're married. Siddharth Malhotra, Ranbir Kapoor, Varun Dhawan. Yes, three hotties. Babita ji and Daya ji is here. Where is Jethalal? He's missing. He's, I guess, on his way. Dilip bhai is on his way.